आज के क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछला क्लास में हम लोगों ने जाना कि जीन पियाजे का जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज क्या है। स्टेज में जो है हमने पहला पॉइंट पे कल चर्चा किया था कि उनका जो संवेदी पेशीय अवस्था है वो कितने से कितने उम्र के बच्चों का होता है, यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चों का जो है हम लोग इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से उसको जानते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था के नाम से जानते हैं और सेंसोरी मोटर के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो है बालक की वृद्धि जो है वो किस प्रकार से होती है, बालक कैसे कौन सी क्रिया को सीखता है, वो एकदम सरल और सहज क्रियाओं को सीखता है और उसी से जो है वो अनुभव प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करता है। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे जो स्टेज है डेवलपमेंटल स्टेज जो है जीन पियाजे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज का जो सेकेंड बुलेट है वह क्या है, उसमें जो है कितने वर्ष के बच्चे आते हैं, कितने से कितने वर्ष की उम्र के बच्चों को उस स्टेज में रखा गया है और उनका विकास किस प्रकार से होता है और वो किस प्रकार से ज्ञान को अर्जित करते हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो हमने पहले कल चर्चा किया था, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है उसका पूर्व संक्रिया अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से लेके 7 वर्षों तक का होता है, यानी 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष की उम्र के बच्चे जो हैं इस स्टेज के अंतर्गत आते हैं। इसको हम लोग जो है वह प्रारंभिक बाल्य अवस्था भी कहते हैं। प्रारंभिक बाल्य अवस्था इसमें जो है 2 वर्ष तक के बच्चे जो हैं सहज क्रिया तो सीख ही लेते हैं, कुछ और भी ज़्यादा इसमें जो है सीखते हैं। तो 2 से लेके 7 साल को जो है इसने पियाजे में ने इसे भी 2 भागों में बांटा है। पिछला क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि सेंसोरी मोटर को कैसे उन्होंने 6 भागों में बांटा था और किस प्रकार से महीने के हिसाब से बच्चों में जो है वो वृद्धि होती जाती है, विकास होते जाता है, ज्ञान का विकास होते जाता है उम्र के अनुसार। तो आज हम देखेंगे कि इस 2 से लेके 7 साल की अवस्था में जो है ये 2 भागों में जब इन्होंने बांटा है तो किस प्रकार से बच्चों में वो वृद्धि होता है। सबसे पहले आते हैं, पहला स्टेज है इसमें प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जिसे कहा जाता है, ये 2 वर्षों से 4 वर्षों का होता है। तो इसमें जो है आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि प्राक संप्रत्यात्मक अवधि क्या हो गया है, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप उस एज को केवल अपने ध्यान में रखेंगे कि यहाँ जो है 2 से 4 वर्षों की बात की जा रही है। तो 2 से 4 वर्ष तक जो है वो बच्चे जो है वो कैसे डेवलप करते हैं, तो इस उम्र में जो है बच्चे हर एक चीज़ को पहचानना सीख जाते हैं, किसी वस्तु को जानना सीख जाते हैं, शब्द को पहचानना सीख जाते हैं, किसी प्रतिमा को पहचानना सीख जाते हैं। तो ये होता है इनका फर्स्ट स्टेज, यानी इस अवस्था में बालक शब्द वस्तु प्रतिमा चिंतन इत्यादि जो होता है वो उनमें विकसित हो जाता है, उससे वो बहुत ही अच्छी तरह से जान जाते हैं। खासकर इस उम्र में सजीव और निर्जीव बस्तियों में जो है वो फ़र्क करना भी जान जाते हैं। 2 वर्ष तक के जो बच्चे 0 से लेके 2 वर्ष तक की अवधि की बात करी थी तो वो सजीव निर्जीव का जो है वो अंतर नहीं जानते थे। वो जो है आप देखते होंगे कि 2 साल के बच्चों को जो है अगर हम टॉल गुड़िया को अगर हम खाना खिलाते हैं तो ही वो खाना खाते हैं, तो उनको सजीव और निर्जीव में अंतर पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है 2 वर्ष से जैसे ही ऊपर होते हैं वैसे ही 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे जो है वो सजीव और निर्जीव में फ़र्क करना जान जाते हैं। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, ये जो सोचते हैं। इस उम्र के बच्चों में ये मेंटल पाया जाता है, ये मेंटलिटी पाया जाता है कि उनका ये रहता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, हमको जो चाहिए वही सही है, यानी वो जो कार्य करे वो बिल्कुल सही मानते हैं, यानी वो स्वयं पे केंद्रित होते हैं, उनके द्वारा किया गया हर एक कार्य जो होता है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है और सही होता है, ये उनका ऐसा मानना है, यानी वो आत्म केंद्रित होते हैं। दूसरा स्टेज हमारा आता है अंतर्दर्शी अवस्था जिसे हम लोग कहते हैं, ये आता है 4 से लेके 7 वर्ष तक का। तो 2 स्टेज में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है 2 साल से लेकर के 7 वर्ष की उम्र के बच्चों को 2 भागों में बांटा गया है उनके डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग। उसमें आपका पहला आता है जो वो है आपका 2 से लेके 4 वर्ष और फिर दूसरा स्टेज आता है हमारा 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष। तो नेचुरली है कि 4 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने लगते हैं, तो उसमें जो है वो 2 साल के ऊपर से जो बच्चे डेवलप करते हैं उससे बेहतर होगा। तो यहाँ पे आते आते जो है इसमें बालक का जो है वो मानसिक प्रक्रिया करता है, जैसे कि सिंपल सा है कि मानसिक प्रक्रिया करता है मतलब क्या,
जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको ए से लेके जेड तक का जो है वो पूरा अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, ए बी सी डी, साथ ही साथ उनको जो है 1 2 भी सिखाते हैं, यानी वो काउंटिंग करना सीख जाते हैं, सरल जोड़ करना सीख जाते हैं, 1 + 1 करना सीखते हैं। तो ये जो है उसमें मानसिक चिंतन जो है उनका शुरू हो जाता है कि कैसे जोड़ना है, लेकिन वो तर्क नहीं कर पाते हैं कि 1 और 1 2 क्यों होता है, ये नहीं तर्क कर पाते हैं, यानी इस क्षमता का विकास इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, थर्ड बुलेट है आपका, मूर्त संक्रिया की अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है ये 7 से लेके 12 वर्ष की उम्र के बच्चे जो है इस अवस्था में आते हैं, और 12 वर्ष की उम्र तक आते आते बच्चों में तर्क शक्ति काफ़ी विकसित हो जाती है, उनकी तार्किक क्षमता में वृद्धि हो जाती है, वह जो है चिंतन में क्रमबद्धता अभी भी इनमें नहीं आती है। कहने का मतलब है कि अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, क्या परिणाम है, इस पर वो चिंतन नहीं करते, लेकिन क्रमबद्धता उसमें नहीं आती है, उसमें जो है क्रमबद्धता नहीं आती है कि वो जो चिंतन कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन चिंतन करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब कि जोर घटाव करना तो वो ऑलरेडी पहले से शुरू कर चुके हैं सरल भाषा में, लेकिन यहाँ तक आते आते जोर घटाव गुना करना सीख जाते हैं, साथ ही साथ जो है उनमें संख्या का बोध हो जाता है और तार्किक क्षमता में वृद्धि हो जाती है, और यहाँ तक आते आते जो है वो संबंध में जो है वर्गीकरण करना सीख जाते हैं कि किससे किसका संबंध है इत्यादि। तो अभी तक हम देखें कि इन सारे स्टेज में जो है यानी 12 साल की उम्र तक आते आते बच्चे जो है वो थोड़ा सा विकसित हो जाते हैं, चिंतन प्रक्रिया भी उनमें हो जाती है, हर एक चीज़ में वो फर्क करना जान जाते हैं, सजीव निर्जीव में अंतर समझ में आ जाता है, और सामान्य गणित का ज्ञान भी हो जाता है। तो ये है हमारा डेवलपमेंटल स्टेज। आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।